और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें, एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला है। भारतीय कार्रवाई में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के एक मेजर, 2 कैप्टन और 17 सिपाही मारे गए हैं जवाबी कार्रवाई में। पाकिस्तान के एसएसजी के 3 कमांडो भी ढेर कर दिए गए भारत की तरफ से। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था। भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से भारत ने जब पाकिस्तान पर बारूद बरसाया तो किस तरह से पाकिस्तान का पोस्ट तबाह हो गया। पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे गए हैं भारत की तरफ से इस जवाबी कार्रवाई में। और पाकिस्तान में किस तरह से देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये भारत की तरफ से जो जवाबी हमला किया गया उसकी तस्वीरें हैं। और ये देखिए, यहां से भागते हुए दिखाई दिए पाकिस्तानी पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिक। 20 सैनिकों को भारत ने मार गिराया है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पोस्ट को तबाह किया है भारत ने। पाकिस्तान की सीमा के अंदर भारत की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, बारूद बरसाया गया। दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उरी सेक्टर, नौगाम सेक्टर, पुंछ सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत दिखाई। वहीं भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की कई चौकियां बर्बाद कर दी। तो वहीं कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी इस सीज फायर वायलेशन में भारतीय सेना ने तबाह किए। पाकिस्तान की मंशा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, लेकिन इन सब के बीच भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस तरीके से बीएसएफ अलर्ट है ये दिखाने की कोशिश में हम यहां पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं दिवाली से ठीक पहले का मंजर जो आप भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देख रहे हैं। नाइट विजन कैमरा, हथियारों से लैस ये जवान 2400 घंटे अपनी निगाहें काउंटर पार्ट पे रखे हुए हैं और दिन हो या रात लगातार इसी तरीके से जो जवान है वो पेट्रोलिंग करते हैं। जवानों से बात करेंगे, सब क्या कहेंगे, दिवाली से ठीक पहले देशवासियों को क्या संदेश देंगे और साथ में दुश्मन को क्या चेतावनी है। देशवासी अपनी स्वतंत्रता से दीपावली मनाएं। हम यहाँ बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात हैं। आप किसी की किसी प्रकार की चिंता ना करें। दुश्मन को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुश्मन अगर हमारे तरफ देखने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुन सकते हैं आप जवानों को, कुछ और भी जवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जवान जो है पूरी तरीके से अलर्ट हैं और निगाहें आप जवानों की देख सकते हैं 2400 घंटे काउंटर पार्ट पे रहती हैं। कुछ और भी जवान हमारे साथ मौजूद हैं। साहब ये बताइए कि क्या संदेश है देशवासियों को? देशवासियों को ये संदेश है कि आप खुशी खुशी अपना घर में आराम से अपना दिवाली मनाएं। मैं उनके लिए, हमारी फौज तैयार है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।